कबीरधाम जिले में हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते एक तरफ चार लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं 12 से ज्यादा गांव में बिजली सेवा ठप हो गई है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। दरअसल आपको बता दें कि सहसपुर के दनिया और पंडरिया के रेहुहाटा खुर्द में लोग बीते कई सालों से पुल निर्माण कराने की मांग करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरन यहाँ के लोग इन दिक्कतों को झेल रहे हैं। तो कवर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बरसात का पानी लोगों के लिए आफत बन चुका है। ऐसे में स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पुल नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतें उनको आ रही हैं। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुल नहीं होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और ऐसे में खास तौर पर स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में स्कूलों में भी पानी भर गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर कक्षाओं में पानी भरे होने के बावजूद भी जो छात्र छात्र हैं छात्राएं हैं वो स्कूल में बैठे हुए हैं और ऐसे में जगह जगह पर जल भराव की वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो जान जोखिम में डालने को लोग मशहूर हो चुके हैं।